ओके, दिस इज पीयूष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो आज बच्चों मैं तुम्हें वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक का वो टॉपिक है जिसका काम डी ब्लॉक में भी आएगा, पी ब्लॉक में भी आएगा, कुछ एस ब्लॉक में भी आएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेई के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया है, ठीक है। तो लिथियम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, तुम्हारा फ्लोरिन पे खत्म होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा जेई और नीट में, एक तीर से कम समझ लो 100 स्वीकार करेंगे अपन लोग। यानी हम यहाँ पे बताएंगे किसका किससे रिएक्शन होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी नहीं होती है, पूरा काम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। और ये जो सीरीज देख रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको इस तरह से लिखा होता है, बट मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होगा, लिथियम, और सबसे नीचे कौन होगा, तुम्हारा फ्लोरिन होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखो कैसा कॉन्सेप्ट होगा, मान लो किसी भी मेटल का रिएक्शन कराना है किसी भी एसिड से, और वो एसिड या HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, किसी से भी रिएक्शन करा लो, आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, कौन सी गैस रिलीज होने वाली है। आप इस टाइप के भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लोगे, तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा MI मतलब महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टॉपिक में क्या क्या खास बात है। देखो भैया, आपको पता है इस टॉपिक में कि लिथियम टॉप पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और बॉटम पर कौन होता है, तुम्हारा फ्लोरीन, जो टॉप पर होता है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, और जो बॉटम पर होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब ऊपर जाते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फ्लोरीन लिथियम से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं एल्यूमिनियम तक जा रहा हूं। लिथियम से एल्युमिनियम तक के जो मेटल आप देख रहे हो, और अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक की जो मेटल देख रहे हो, ये जो मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। यानी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैग्नीज से आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज से आगे बढ़ते हैं और SN तक जाते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके, माइल्ड नहीं बोल सकते हैं, ये मॉडरेट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो होते हैं बट ये मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है इधर वालों से क्या होती है, कम होती है। और फाइनली हाइड्रोजन के जब इधर आएंगे तो इधर वाले मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे बिलोंग करते हैं उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, इसलिए एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। इस चीज को याद रखने के लिए मैं पहले बता दूं, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए ताकि आपको यह मालूम चल सके कि लिथियम और एल्युमिनियम के बीच में कितने एलिमेंट्स मेटल आ रहे हैं। तो लिथियम से एल्युमिनियम तक के मेटल वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यहां से यहां तक SN तक के जो होते हैं वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और यहां से हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन तक चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जनरली उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत क्या होती है, कम होती है। आइए अब यहां तक समझने के बाद हम किसी भी मेटल करेक्शन किसी भी एसिड से कराएंगे तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो भैया यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है और एक क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात कर रहा हूं, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और एक होते हैं आपके क्या, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। मेरी बात समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता है, जो अपने मैक्सिमम पर होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अगर कोई एसिड अपने मैक्सिमम पर है तो उसकी दो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन से होते हैं। भैया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं डाइल्यूट ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेट HCl, ये होते हैं। इसके अलावा कौन होते हैं आपके, पॉइंट नंबर टू, डाइल्यूट H2SO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और तीसरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा आपका, H3PO4, ये भी क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो एसिड तुम देख रहे हो ये एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, जबकि H2SO4 अपने मैक्सिमम पर है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ये एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होने के वजह से नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का वर्क करेगा।
तो आपको दिमाग में रखना होगा कि डाइल्यूट ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दूसरा डाइल्यूट H2SO4, नॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और तीसरा H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, भले अपने मैक्सिमम पर हो, दे आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है आपका, पहला ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दूसरा डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 में डाइल्यूशन कितना होगा 20%, तीसरा वेरी डाइल्यूट HNO3 में डाइल्यूशन कितना होगा ओनली 6%, और चौथा मैं यहां लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये जो चार रिएजेंट देख रहे हो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और ऊपर वाले क्या है आपके नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। अब इनमें से किसी मेटल को मैं पकड़ूंगा और इनमें से किसी का भी एक रिएक्शन करा के देखूंगा कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, बस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर होनी चाहिए। लिथियम से एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीज से SN माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी माइल्ड कर रहे हैं मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट का पार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल, मैं की पॉइंट बनाने जा रहा हूं, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, की पॉइंट है, जो कि महा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के कहां होते हैं, ऊपर होते हैं, भले वो मॉडरेट हो या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, अगर उनका रिएक्शन किससे कराते हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, किससे बेटा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करके कौन सी गैस देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। पहले नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, खत्म कॉन्सेप्ट। अब आपके क्वेश्चन आया, खड़ाखड़ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है, चाहे डी ब्लॉक का मेटल हो कहीं का भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और अगर नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अगर जिंक का रिएक्शन मैं डाइल्यूट HCl से करा दूं तो बताओ क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? यस, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, और उसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराओगे जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, आंसर खत्म। अगर बोल दिया कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा रहे हो तो क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, आंसर होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, और जो नीचे होते हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, खत्म बात। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक बात बता, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मान लो जिंक है, अगर जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हो तो क्या, एक क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सुनो, जिंक के बाद अगर मान लो यहां पे आयरन है और आयरन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कराते हो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है अगर कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हो, और अगर चौथा क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो AU है और इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हो, तो इनमें से किस किस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? तो पहले आप बताओ, डाइल्यूट H2SO4 इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्लिक डाइल्यूट HCl इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और डाइल्यूट HCl भी क्या होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे होंगे वो इससे रिएक्ट नहीं करेंगे, और जो ऊपर होंगे रिएक्ट करके कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, सही है। Fe ऊपर होता है, ये भी रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। कॉपर डाइल्यूट HCl, कॉपर नीचे है और डाइल्यूट HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, रिएक्शन होगा नहीं। जबकि गोल्ड भी कहां है, नीचे, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं होगा।
तो आपको यह बात समझ में आ गया कि कौन कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से और कौन कौन से नहीं देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। फास्ट कौन देगा? जो ऊपर हो, फटाफट रिएक्शन होगा क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात हो गया तुम्हारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। इसे मान ले, आराम से सबको सुनेगा। जैसे मान लो मैं यहां पर एक और कॉन्सेप्ट लेने आ रहा हूं, क्या? रिएक्शन ऑफ वाटर। वाटर से रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है? अब मेरी बात बहुत आराम से सुनेंगे आप लोग। जैसे मैंने बताया था कि लिथियम से एल्यूमिनियम तक के जो मेटल होते हैं, लिथियम से एल्यूमिनियम तक के मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जल्दी बताओ। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? और एल्यूमिनियम मतलब मैग्नी से आगे बढ़ते हो कहां तक, लेड तक, तो ये क्या होते हैं आपके मॉडरेट टाइप के क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन के बाद वाले जितने मेटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक क्वेश्चन और सुनो, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। एग्जाम में तीन क्वेश्चन, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और रेड हॉट ट्यूब में फ्लो कराना। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और रेड हॉट ट्यूब में फ्लो कराना। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ऑप्शन सुनिएगा। मान लो दे दिया जिंक, मान लो दे दिया एल्युमिनियम, ठीक है, मान लो दे दिया कॉपर, और मान लो दे दिया आपका क्या, मान लो दे दिया आपका क्या, मान लो आपका दे दिया बोरॉन। अरे सर, ये तो खतरनाक चीज हो गया। आप तीन मेटल के बाद एक नॉन मेटल को फेंक दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे, जनरली बट नॉट ऑलवेज, मैं बोल दिया, ठीक है? अब आपको दिमाग में रखना है, देखो लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक की बात करते हैं, जो हम स्लाइड वन में जाके आपको दिखाते हैं, ये वाला लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक के बीच में जो मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैग्नीज से लेके एसएन तक मॉडरेट, और इधर वाले क्या होते हैं, वीक या माइल्ड। माइल्ड क्या बोलते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, ये मॉडरेट या होते हैं, ठीक है? तो अब वाटर की बात हो रही है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन हो चुका है। तुम्हारा बात एक और फंसा हुआ है, सर ऑक्सीडाइजिंग एसिड से आपने रिएक्शन नहीं बताया। दो मिनट, मैं सब बताऊंगा आपको, धैर्य रखें, रखें धैर्य, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो ध्यान समझना, लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक के जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, लेकिन यहां से लेके आगे बढ़ोगे तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जनरली हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, जनरली हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और हाइड्रोजन के जो नीचे जो मेटल होते हैं वो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं ब्रो, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने, लिथियम से एल्युमिनियम तक के जो मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर से बहुत प्यार से रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है? मैग्नीज से लेके एसएन तक के जो मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर सेट नहीं करते बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है, दीज आर मॉडरेट या माइल्ड रिड्यूसिंग के, जो नीचे वाले तो बहुत वीक होते हैं, जब ये नहीं कर पा रहे कोल्ड से हॉट से करेंगे तो ना ही ये कोल्ड से करेंगे ना ही हॉट से करेंगे। बात समझ में आया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनेगा, ध्यान समझना, ठीक है? थ्लू लिथियम से एल्युमिनियम तक के मेटल कोल्ड वाटर सेट करेंगे, यहां से हॉट वाटर, इधर ना कोल्ड ना ही हॉट। अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, क्या जिंक करेगा, नहीं, क्योंकि जिंक बाद में आ रहा है। एल्युमिनियम, यस, लेके भारत सरकार का नाम मांगे, अली, अली मतलब एल, ठीक है, महान, जान, जान मतलब जड़न, एल के नीचे है तो एल्युमिनियम ऊपर है, यानी एल्युमिनियम रिएक्ट कर जाएगा, और कॉपर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां होता है, नीचे, ना ही ये रिएक्ट करेगा ना ही ये रिएक्ट करेगा, और बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। और मैंने क्या बताया कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा जिसकी रिएक्टिविटी लिथियम से कहां के बीच में हो, एल्युमिनियम तक के बीच में हो, तो यही है एल्युमिनियम, ये रिएक्ट कर जाएगा, तीनों रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इसी जिंक का रिएक्शन
आप हॉट वाटर से कराओ तो 100% रिएक्शन होगा, क्योंकि Mn से लेके लेड तक के बीच में जिंक तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, बात समझ में आ, लेकिन कोल्ड से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये तो कोल्ड से ही कर जा रहा है एल्युमिनियम, तो हॉट किस चिड़िया का नाम है, खटाक से रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर तुमने जिंक का रिएक्शन हॉट वाटर से किया तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज करेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तुम बोलोगे सर इसका मतलब जिंक कोल्ड से नहीं हॉट से, बिल्कुल। कॉपर कोल्ड से या हॉट से, नहीं कोल्ड से नहीं हॉट से, क्योंकि वो तो नीचे है। बोरॉन नॉन मेटल है, नहीं कोल्ड से नहीं हॉट से। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा इसका मतलब बोरॉन वाटर से करता ही नहीं, अगर बोरॉन का रिएक्शन कराना है तो उसको रेड हॉट ट्यूब में फ्लो कराना पड़ता है, बात समझ में आया। तो ये नहीं कोल्ड से करेगा नहीं हॉट से, इसके लिए हमें क्या पढ़ना करना पड़ेगा, रेड हॉट ट्यूब पास कराना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है। लिथियम से एल्युमिनियम तक के जो मेटल होते हैं सिर्फ कोल्ड वाटर, हॉट से तो आराम से करेंगे जब कोल्ड से ही कर जा रहे हैं। मैग्नीज से लेकर लेड तक के एलिमेंट कोल्ड और वाटर से रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से। अगर उनका रिएक्शन कराना है तो उनको रेड हॉट ट्यूब में पास कराना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आ गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको रखा है। आइए, क्या सबको समझ में आ गया, एकदम क्लियर है कि नहीं है बात। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए आपके, डी ब्लॉक के एस ब्लॉक के, बहुत आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या एल्युमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा जी। क्या कॉपर करेगा, नहीं। क्या गोल्ड करेगा, नहीं भैया कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर से भी नहीं करेगा, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, कौन, गोल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, रिएक्शन नहीं करेगा। इवन मैं आपको एक बात और बता दूं, लेड जो हाइड्रोजन के बहुत पास होता है, लेड जो हाइड्रोजन के बहुत पास होता है ये नहीं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है नहीं हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, इसको याद रखना। जो हाइड्रोजन के बहुत पास होंगे उनकी प्रॉपर्टी लगभग किससे मिलने लगेगी, जो हाइड्रोजन के इधर होते हैं दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट कोल्ड और हॉट दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मैंने दो चीज बताया, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से ऊपर वाले मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जबकि नीचे वाले मेटल कोई गैस रिलीज नहीं करते हैं, एकदम दिमाग में रखना ब्रदर, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, वाटर से कोल्ड से हॉट से, कोल्ड से कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम से लेके एल्युमिनियम, इधर वाले हॉट से, हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं कोल्ड से नहीं हॉट से, रेड हॉट ट्यूब में, जैसे बोरॉन, नॉन मेटल जनरली कहां पाए जाते हैं, नीचे। अब तीसरी बात आपके दिमाग में आई, तीसरी बात क्या आई समझिए, सर आपने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बता दिया, आपने कोल्ड और हॉट वाटर बता दिया, आपने अभी तक नहीं बताया है ऑक्सीडाइजिंग एसिड के बारे में, आइए वो भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। सुनिए, एक और की पॉइंट बनने जा रहा है, की पॉइंट तो आज आपको खूब सारे मिलेंगे, ठीक है, खूब सारे मिलेंगे, ठीक है। अब एक की पॉइंट देखिए, जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के कहां होगा, आपका ऊपर होगा, पहला पॉइंट, उनका रिएक्शन तीन रिएजेंट से करा रहा हूं, एक वेरी डाइल्यूट HNO3, एक डाइल्यूट HNO3 और एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या बात में रहेगा ये बात, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, मैंने बताया था। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन से होते हैं, HNO3 चाहे डाइल्यूट हो, चाहे वेरी डाइल्यूट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, और क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2O4, नॉट डाइल्यूट H2O4, डाइल्यूट H2O4 इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब आइए कॉन्सेप्ट, अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें डाइल्यूशन मात्र कितना परसेंट होगा, 6, तो उस केस में ये प्रोडक्ट बनाते हैं NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट से करा रहे हैं तो डाइल्यूट से किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर जो हाइड्रोजन के ऊपर है डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हैं तो गैस रिलीज होगी, और वो गैस क्या होगा आपका, याद रखिएगा, N2O, लॉफिंग गैस। और अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा दिया तो याद रखिएगा रेड ब्राउन गैस रिलीज होगी, कौन सी, रेड ब्राउन गैस, नाइट्रोजन का रेड ब्राउन गैस कौन होता है, NO2, लॉफिंग गैस क्या है, N2O, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या क्लियर हो गया, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उड़ा देंगे, लेकिन आपके दिमाग में फिर एक की पॉइंट बनेगा,
क्या सर? अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है तो उसका इन तीनों के साथ सर क्या रिएक्शन होगा? सेम क्या? वेरी डाइल्यूट HNO3। दूसरा डाइल्यूट HNO3। ओके जी। तीसरा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। थोड़ी राइटिंग मेरी खतरनाक है तो विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है? वेरी डाइल्यूट HNO3 है और उसका रिएक्शन उस मेटल से हो रहा है जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, तो बताइए वेरी डाइल्यूट पर होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिएक्टिविटी बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन नहीं होगा, एक और कॉन्सेप्ट बन गया। लेकिन अगर डाइल्यूट है तो होगा भाई, ऐसा तो नहीं बोल रहा नहीं होगा, वेरी डाइल्यूट से नहीं होगा। अब एग्जाम में आप अपनी आंखों की साइड चेक करा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वेरी डाइल्यूट लिखा है या डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट। अक्सर लोग यही गलती करके चले आते हैं। तो अगर डाइल्यूट HNO3 है तो यहां पे N2O निकल रहा है और यहां क्या निकलेगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और अगर कॉन्सेंट्रेट है तो दोनों प्रोडक्ट सेम मिलेगा, कौन सी गैस? NO2। क्या ये की पॉइंट क्लियर हुआ? ये की पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आएगा ही आएगा। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, या लिख दिए, चलो मैं यही कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा इसमें कलाकारी किया जाता है। अब एक बात बता ईमानदारी के साथ, अगर जिंक का रिएक्शन मैं लिख रहा हूं वेरी डाइल्यूट HNO3 से करा दिया जाए, या वेरी डाइल्यूट ना लिख देगा 6% HNO3, मतलब वेरी डाइल्यूट HNO3, पूछेगा कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो भैया जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन यहां पे क्या बन जाएगा? NH4NO3, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर होता है जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो मेटल ऊपर होते हैं वेरी डाइल्यूट से क्या बनाते हैं? NH4NO3। और अगर इसी जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से हो गया तो ब्रदर क्या होगा? अगर डाइल्यूट HNO3 से, घबराने की बात नहीं है, वेरी डाइल्यूट का मतलब 6%, डाइल्यूट का मतलब 20%, हाँ या ना? तो लिख दिया डाइल्यूट से जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा ही, ZnO3 का होल ट्वाइस, लेकिन पूछा कौन सी गैस निकल रही है। तो भैया वेरी डाइल्यूट से NH4O3, डाइल्यूट से कौन सी गैस? सीधे मार किया आंसर N2O। ठीक है, अब अगर इसी जिंक का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हो गया, भैया कॉन्सेंट्रेट आ गया तो जिंक नाइट्रेट तो बनना तय है, ZnO3 का होल ट्वाइस, अरे तो बनना तय है, नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन यहां पे N2O और कॉन्सेंट्रेट में कौन सी गैस निकलेगी? आपकी NO2 गैस रिलीज होगी, जो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ट्रस्ट मी, इसके क्वेश्चन 100% आएंगे, 2 क्वेश्चन से आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपका एक इसमें की पॉइंट और ऐड करूंगा जो मैंने किया नहीं है, करूंगा थोड़ी देर बाद। अगर मान लो मैंने अब कॉपर लिया, कॉपर का रिएक्शन सेम कॉन्सेप्ट वेरी डाइल्यूट HNO3 से करा रहा हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा रहा हूं, और तीसरा, इसी कॉपर का रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं? कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा रहा हूं। जिंक का आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप बताइए, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसका मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और वीक रिड्यूसिंग वाले वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई रिएक्शन करते नहीं है, हो बेना, यानी वेरी डाइल्यूट मतलब 6%, बार-बार बोल रहा हूं, रिएक्शन नहीं होगा ही नहीं, लेकिन वेरी डाइल्यूट से ऊपर वाले मेटल कर जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अब डाइल्यूट आ गया तो वेरी डाइल्यूट से कोई रिएक्शन नहीं होगा, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होगा, तो ये डाइल्यूट से N2O देता है, लेकिन कॉपर डाइल्यूट HNO3 से कौन सी गैस रिलीज करेगा? NO। नाम क्या होता है NO का? नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या बनेगा? अरे यार, बनने वाली चीज तो यही है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3।
और अगर कॉन्सेंट्रेट है तो कॉपर नाइट्रेट यहां ही बनेगा, लेकिन कौन सी गैस रिलीज हो रही है तो कॉन्सेंट्रेट में या डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट में नीचे वाले मेटल या ऊपर वाले मेटल, याद रखना कौन सी गैस, NO2, NO2 और NO2 किस कलर की होती है, रेडस ब्राउन। खत्म की पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वेरी डाइल्यूट डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या आपको समझ में आ गया? अब इसमें एक एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट बात है SN का। अगर SN का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हो, बुद्धि लगाइएगा, और इसी SN का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हो, दूसरा और इसी SN का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं एक चीज, अगर डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3 की बात करोगे तो SN इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और जो ऊपर होते हैं वो वेरी डाइल्यूट से क्या देते हैं, NH4NO3, डाइल्यूट से N2O, कॉन्सेंट्रेट से NO2, रेड इज ब्राउन। लेकिन SN का एक्सेप्शन दिमाग में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा SN वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट दोनों से ही NH4NO3 देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है, NCERT में लिखा होगा, ठीक है, डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डाइल्यूट से N2O और वेरी डाइल्यूट से NH4NO3, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन में NH4NO3 ही बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 है तो पता ही है NO2 गैस निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे H2SNO3 मेटासेक्शनिंग एसिड बन जाता है, याद रखिएगा नाइट्रेट नहीं बनता है, तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। तो मैंने किसका रिएक्शन बताया, कोल्ड वाटर हॉट वाटर, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट, ऑक्सीडाइजिंग एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नीट और जेई में आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। मेरी बात सुन रहा, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं बताने के लिए, लेकिन इतने छोटे से वीडियो में इतने सारे पॉइंट को बताना लगभग इंपॉसिबल है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे सकूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया ये बात? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फाइनली मैं इस कॉपर का रिएक्शन करा रहा हूं, कॉपर का, अब इस कॉपर का खूब सारा रिएक्शन करा रहा हूं, आप बताइएगा, मैं इस कॉपर का रिएक्शन करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, डाइल्यूट H2SO4, मैं एक काम करता हूं अपनी राइटिंग को और सुधारता हूं, और मैं आपको यहां लिखता हूं थोड़े अच्छे में, इस कॉपर का रिएक्शन, बुद्धि लगाइएगा, बुद्धि लगेगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। मैं इस कॉपर का रिएक्शन देखो क्या लिख रहा हूं, डाइल्यूट H2SO4 से करा रहा हूं, अब सुनिएगा, डाइल्यूट HCl से करा रहा हूं, डाइल्यूट HNO3 से करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा रहा हूं, और तो सुन लो यार, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करा रहा हूं, बुद्धि लगाओ और आंसर पाओ, किसमें रिएक्शन होगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब बुद्धि लगाइए, क्या कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होता है, यस या नो, यस, वेरी गुड, डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, या एक और ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl, ये तीन जो है, दीज थ्री आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाले जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते नहीं है, हो बेना, क्लियर, आ गया खत्म यार, जिंक होता तो खटाक से कौन सी गैस निकालता, हाइड्रोजन, हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताना, हाँ या ना, ठीक है, और अगर डाइल्यूट HNO3 है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, These are oxidizing acid. तो बताओ, अभी बताया था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं कॉन्सेंट्रेट से कौन सी गैस देते हैं, NO2,
रेडिस ब्राउन, डाइल्यूट से एनओ ऊपर होता तो N2O। अब इससे रिएक्शन नहीं हुआ, इससे हो गया। सर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या होगा? सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। डाइल्यूट H2SO4 इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से नीचे वाले मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चाहे टॉप पर हो चाहे बॉटम पे मेटल हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेंगे, H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। ठीक है सर, लेकिन गैस कौन सी निकलेगी? क्या हाइड्रोजन निकलेगी? नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कोई भी मेटल ले लो, कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड ब्रदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और अगर यहीं पे मैं जिंक ले लेता, यहीं पे मैं जिंक ले लेता और सेम एग्जांपल मैं यहां पे देता, तो बताओ कॉन्सेंट्रेट से हाइड्रोजन गैस देगा यार, क्योंकि ऊपर है। डाइल्यूट से देगा यार, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट सुबह से देगा यार। डाइल्यूट HNO3 ऊपर वाला है, N2O देगा। कॉन्सेंट्रेट से NO2 देगा, वेरी डाइल्यूट से NH4NO3 देगा। वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन हो बे ना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से SO2 गैस ये भी देगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोल्ड वाटर से दोनों रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि लिथियम से एल्युमिनियम तक के मेटल जो होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम से आगे बढ़ोगे तो हॉट वाटर से, और हाइड्रोजन के नीचे वाले ना ही कोल्ड से ना ही हॉट से रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिंक का रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा और बोलूंगा कि बताओ रिएक्शन का टाइप क्या है। चार ऑप्शन दे रहा हूं, ये कमेंट में आप मुझे आंसर बताएंगे। क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है? क्या ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है? क्या एसिड बेस है, रेडॉक्स है? बताना होगा आपको, देखूंगा आप बता पा रहे हो कि नहीं। क्या बोथ आंसर हो सकता है या नन ऑफ दीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिंक का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, और ये आपको बताना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, विद इन 2 डेज या 1 डेज, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, देखो एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है और आयरन है। अगर इसका रिएक्शन 80% HNO3 से करा दिया जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेट HNO3,